दोस्तों YouTube की तरफ से पांच ऐसे कमाल के अपडेट आए हैं जिसको जानने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे और कहेंगे वाकई में इस बार YouTube ने कमाल ही कर दिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इन पांचों अपडेट के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा एक एक करके। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों YouTube का जो सबसे पहला अपडेट है ये अपडेट है कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर। दोस्तों अभी तक जो भी हम कंटेंट YouTube पर डालते थे अगर उस वीडियो में हम किसी और का जो है कुछ भी यूज करते थे तो हमको कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता था। लेकिन दोस्तों हमको समझ में ही नहीं आता था कि ये कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक कौन दिया है, कहां से आया है, किस वजह से आया है। इन सब के बारे में काफी ज्यादा डिटेल्स वहां पर देखने को नहीं मिलती थी तो YouTube ने इसको फाइनली अपडेट कर दिया है। अब YouTube अगर आपको कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है तो आप जो उसको बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में देख पाएंगे, जो पेज रहेगा उसका वहां पर आपको बकायदा जो है बताया जाएगा कि कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आपको कौन दिया है, किस वजह से दिया है और इसका रीजन क्या हो सकता है और इसका इफेक्ट आपके चैनल पर क्या हो सकता है। तो दोस्तों अब आपको कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी तो पूरा डिटेल्स में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। दोस्तों जो अगला अपडेट है ये तो काफी मजेदार है। जी हाँ, ये अपडेट है दोस्तों कॉमेडी पोस्ट को लेकर। आप अगर YouTube पर कॉमेडी पोस्ट करते हैं, कॉमेडी टैब का इस्तेमाल कर कुछ भी वहां पर पोस्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके पोस्ट के नीचे आपके चैनल का नेम सब्सक्राइब बटन भी दिखता है, वहां पर भी लोग क्लिक करके आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं वो हमको पता नहीं चलता है तो इसको देखने के लिए YouTube ने एनालिटिक्स में जो है बाई पोस्ट, मतलब कि आपने कौन से पोस्ट पर कितने सब्सक्राइबर पाए हैं, ये फीचर जो है आपको एनालिटिक्स में जोड़ दिया है। मतलब दोस्तों आप अगर कॉमेडी पोस्ट करेंगे तो अब आप चेक कर पाएंगे कि उस पोस्ट से जो है आपके चैनल पर कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है और इससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि आपको इन द फ्यूचर में किस टाइप की पोस्ट जो है करना चाहिए ताकि ज्यादा लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सके। तो अगर आप भी कॉमेडी पोस्ट करते हैं तो इस फीचर से जो है आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने YouTube पर कोई वीडियो अपलोड कर दिया और उस वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज आ गए और बाद में आपको पता चला कि आपने उस वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ गलती किया है, कहीं ना कहीं ऐसा पार्ट आपने वहां पर शो कर दिया जो कि आपको वीडियो में नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद आप काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उस पार्ट को कैसे हटाया जाए। तो दोस्तों इसके लिए YouTube ने डेस्कटॉप वर्जन पर, जो YouTube का डेस्कटॉप वर्जन है वहां पर जो है YouTube एडिटर की मदद से दोस्तों आप उन वीडियो को एडिट कर सकते थे लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फीचर नहीं होता था। अब दोस्तों आपको यूट्यूब एडिटर जो है काफी ज्यादा इंप्रूव दिखेगा। अब आपको उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर मिलेंगे जो कि आपको बहुत अच्छे खासे एडिटिंग टूल्स प्रोवाइड करेंगे। साथ ही में आप कोई वीडियो अगर अपलोड कर देते हैं उसमें कोई मिस्टेक रहता है तो उन एडिटर टूल की मदद से जो है आप अपनी वीडियो को काफी अच्छे ढंग से जो है एडिट कर पाएंगे और उनमें से जो भी गलतियां, जो भी मिस्टेक, जो भी चीजें आप नहीं दिखाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। तो ये वीडियो उनके लिए जो कि ज़्यादा वीडियो में मिस्टेक करते हैं और अपलोड करने के बाद पछताते हैं कि यार ये क्या कर दिया मैंने। तो चलिए जानते हैं अगले अपडेट के बारे में। दोस्तों अगला अपडेट YouTube के YT स्टूडियो में किया गया है। दोस्तों अगर आप YouTube का YT स्टूडियो ओपन करते हैं तो आपको वहां पर पूरा इंटरफेस जो है चेंज नजर आएगा। साथ ही में दोस्तों नीचे नेविगेशन बार में आपको एक नया मेन्यू ऐड कर दिया गया, मतलब रिप्लेस कर दिया गया, जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन रहता था उसको रिप्लेस कर कंटेंट का ऑप्शन जो है वहां पर डाल दिया गया। मतलब अगर आप कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके वीडियो शॉर्ट्स लाइव जो भी चीजें आप किए रहेंगे अपने चैनल पर वो सारी चीजें जो है न्यू YT स्टूडियो अपडेट की वजह से देख पाएंगे। तो दोस्तों ये अपडेट जो है YT स्टूडियो में किया गया है, आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप में अभी भी प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको कुछ दिन बाद जो है कंटेंट के ऑप्शन में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों जो पांचवा अपडेट है इसके बारे में आप पूछिए मत, इसका जो है इंतजार वर्षों से जो है यूट्यूबर कर रहे थे और फाइनली यूट्यूब ने जो है इसको लॉन्च कर रहा है, मतलब ये कुछ महीनों में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी तक हम यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में किसी का म्यूजिक, किसी का सॉन्ग कुछ भी यूज करते थे तो कंटेंट आईडी, जो भी कंपनी ऑनर उस सॉन्ग का होते थे वो कंटेंट आईडी जो है यूट्यूब से ले रखे होते थे, जिसको मैच करने के बाद जो है हमारे वीडियो पर कॉपीराइट
क्लेम आ जाता था, और उसकी वजह से दोस्तों हमारे पूरे वीडियो का जो रेवेन्यू बनता था वो उस कंपनी ऑनर को जाता था। इससे दोस्तों यूट्यूबर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। यूट्यूबर को लगता था यार मैंने उनका 15 से 30 सेकेंड का सॉन्ग यूज किया और ऐसे में जो है कॉपीराइट क्लेम आ गया और सारा पैसा उनको जा रहा है, हमको क्या बेनिफिट होगा। तो दोस्तों फाइनली यूट्यूब जो है इस पर रिसर्च कर रहा है। यूट्यूब ने कहा है कि हम जो इस पर डिस्कस करेंगे, जो कंपनी ऑनर होंगे हम जो है उनके बीच में जो है कोलैबोरेट करेंगे, और साथ ही में अगर अब बंदा कोई भी किसी का भी सॉन्ग म्यूजिक यूज करेगा, कॉपीराइट क्लेम आएगा, तो उसका जो रेवेन्यू होगा वो यूट्यूबर को ही मिलेगा। तो दोस्तों ये यूट्यूबर के लिए काफ़ी बेनिफिट भरा जो है अपडेट है, और इसका इंतज़ार तो बहुत दिनों से सभी लोग कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पर डांसिंग चैनल भर भर कर बन चुके हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे नियम होंगे जिसको कि आपको फॉलो करना होगा, जिससे कि आपका जो भी रेवेन्यू होगा वो आपको ही मिल सके। तो दोस्तों इस पर कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो दोस्तों यूट्यूब के ये पांचों अपडेट आपको कैसे लगे आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई दिनों से मैं काफ़ी बिजी चल रहा हूं, अपडेट समय पर नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आपको टाइमिंग पर सारी चीज़ें मिलती रहें। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।